दुनिया भर में ठोकरे खाने के बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर भारत की तरफ लौटा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बयान दिया है। भारतीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने जयशंकर की यात्रा को अच्छी शुरुआत बताया और उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ेंगे। शरीफ की इस टिप्पणी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। जयशंकर की यात्रा के बाद से शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते भी सुधरें। नवाज शरीफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। शरीफ ने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लाहौर यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल से मुझे फोन किया और मुझे मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो मैंने कहा कि उनका बहुत स्वागत, वह आए और मेरी माँ से मिले। यह कोई छोटी चीज नहीं है, इनका हमारे लिए, खास तौर पर हमारे देश के लिए कुछ मतलब है। हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीफ ने कहा, मैं रिश्तों में आई रुकावट से खुश नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की ओर से बोल सकता हूँ जो भारत के लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं, और मैं यही बात भारत के लोगों के लिए भी कहूँगा। शरीफ ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच जारी संबंधों से खुश नहीं है और उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवाज ने आगे कहा कि हम अपने पड़ोसियों को तो नहीं बदल सकते, ना ही पाकिस्तान और ना ही भारत, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। जब शरीफ से पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच सेतु बनाने की आवश्यकता है तो उन्होंने कहा, मैं यही भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जयशंकर के पाकिस्तान विजिट पर भी नवाज शरीफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नवाज ने कहा, हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्री आए। जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते में लंबे समय से जमी बर्फ पिघली है। उन्होंने कहा, हमने 70 साल इसी तरह लड़ाई लड़ते हुए बिताए हैं और हमें अगले 70 सालों तक नहीं चलने देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।